गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करता हूं गाइज अन अकेडमी यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर सारे स्टूडेंट्स का। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो जल्दी से जल्दी सारे स्टूडेंट जुड़ें, उसके बाद जो है हम लोग हमारा डिस्कशन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डिस्कशन। एग्रीकल्चर जो है गाइज हमेशा बर्निंग इश्यू रहता है, आपको पता ही, यू नो अबाउट इट, बिकॉज 50% पॉपुलेशन, मोर देन 50% पॉपुलेशन एक्टिवली इन्वॉल्व है, सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। तो गाइज आप मेरे अन अकेडमी प्लस पर जो कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी प्री कम मेंस का बैच चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला टॉपिक अंडर गोइंग है, बिकॉज वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस ही गाइज इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज 1-to-1 वहाँ पर डिस्कशन रहता है, 1-to-1 डिस्कशन वहाँ पर रहता है, प्लस गाइज पर्सनलाइज गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो गाइज गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन एज सून एज इट्स पॉसिबल, ठीक है, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। और गाइज प्लस पे जैसे ही क्लिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन की साइड रिडायरेक्ट हो जाएंगे, दीज ऑल प्लान्स आर अवेलेबल टू यू गाइज, ये सारे प्लान्स अवेलेबल हैं। एंड जैसे ही जीके लाइव कोड का यूज़ करेंगे गाइज इमीडिएटली यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ, आपको इमीडिएटली 10% का ऑफ मिलने वाला है। एंड गाइज गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन, जल्दी से जल्दी जाएँ, जीके लाइव कोड का यूज़ करें गाइज, ठीक है, यूज़ जीके लाइव कोड, ठीक है, जीके लाइव कोड का यूज़ करें, यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ इमीडिएटली, इमीडिएटली आपको मिलने वाला है 10% का ऑफ। इसको एक बार शेयर कर दें सारे स्टूडेंट के साथ में, शेयर इट विद ऑल ऑफ द स्टूडेंट सो दैट दे कैन नो दैट क्लास हैज बीन स्टार्टेड। ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच इट हैज बीन डिलेड, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था गाइज, उसके रीजन से थोड़ी क्लास डिले हुई है। यस सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गूगल गुरु मोहम्मद आरिफ रूबी इंग्लिश गुरु लोकेश पाटिल सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सब लोग अच्छे होंगे आई होप, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइज इसको एक बार शेयर कर दें सारे स्टूडेंट के साथ में, शेयर इट विद ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन नो दैट क्लास हैज बीन स्टार्टेड, शेयर इट गाइज, शेयर इट विद द स्टूडेंट्स। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइज। देखें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है, इसके रिगार्डिंग हम लोग कर रहे थे डिस्कशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है उसको हम लोग कर रहे थे डिस्कशन। देखें पहले तो इसका थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड देख लेते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है क्या। देखें गाइज एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, द टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसका मेन रीज़न है गाइज, एग्रीकल्चर मोर देन 50% लोगों का पॉपुलेशन का प्रोफेशन है, ठीक है, इट इज़ बेसिकली प्रोफेशन ऑफ मोर देन 50% पॉपुलेशन। अगर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, इफ़ देर इज़ टू मच ऑफ डिपेंडेंसी गाइज, अगर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इसका क्या हो, जिससे एग्रीकल्चर में वेलबींग हो, ठीक है, जिससे एग्रीकल्चर में क्या हो, वेलबींग हो, और लोगों की इनकम जो है एग्रीकल्चर में, फार्मर्स की इनकम क्या हो सके, बढ़ सके, ठीक है, फार्मर की इनकम कैन गो अप। और अभी एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट का टारगेट क्या है गाइज, 2x बाई 2022, फार्मर की इनकम क्या करनी है, 2x करनी है, डबल करनी है बाई 2022। इसके लिए एक कमेटी भी बनी है गाइज, अशोक दलवाई कमेटी, ठीक है, दलवाई कमेटी, इट हैज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू डबल द फार्मर्स इनकम बाई 2022, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में इनिशिएट करी थी गाइज, किस लिए इनिशिएट करी थी, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड और अलाइड सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे लाइव स्टॉक हो गया, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग हो गई गाइज, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है, इन सेक्टर का भी डेवलपमेंट करना था, टू डेवलप द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर विच दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इन सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए स्कीम जो है स्टार्ट की गई थी, ये स्कीम स्टार्ट की गई थी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो गाइज इसीलिए ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2007 में लॉन्च करी थी गवर्नमेंट में। इसमें मेन प्रोविज़न क्या है गाइज, एक तरीके से स्टेट क्या करते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है ना एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ट्राई करते हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा गाइज, एक तरीके से उनको कैपिटल मिल जाएगी, ठीक है, दे विल डेफिनेटली बी गेटिंग द कैपिटल। उनको क्या मिलेगी, कैपिटल मिलेगी, जब कैपिटल मिलेगी तो गाइज क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जब इन्वेस्ट करेंगे तो एग्रीकल्चर में बेटर क्या होगा, बेटर प्रोडक्शन होगा, बेटर प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर में, ठीक है, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में एक तरीके से इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है, उनमें अलग अलग इंसेंटिव लेके, ये इसका मेजर स्कीम एम है, ठीक है, ठीक है, ये इसका मेजर एम है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो इसको लेके गवर्नमेंट ने अभी फिर से कुछ रिसेंट चेंजेज किए हैं, तो इन चेंजेज को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है।
और गाइज इसमें एक सब स्कीम जो है वो और ऐड कर दी है गवर्नमेंट ने। इसका इसको 2017 में फिर से एंड अप होने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको क्या करा गाइज, फिर से कंटिन्यू कर दिया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है जो स्टेट प्लान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसको गाइज एक तरीके से फिर से अलग नाम दे के रिजुवेनेट करने की ट्राई करी है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार नाम दे के। ठीक है, इसको राष्ट्रीय कृषि विकास विकास योजना रफ्तार नाम देके गाइज क्या करा है, इसको रिजुवेनेट करने की ट्राई की है गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि इसका कैसे ना कैसे करके बेटरमेंट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो, और एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में आज जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी इनकम क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम में आए कि रफ्तार इज़ एन इनिशिएटिव अंडर, रफ्तार क्या है, रफ्तार किससे रिलेटेड है गाइज, तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से रिलेटेड है। रफ्तार किससे रिलेटेड है गाइज, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म अगर देखना चाहें, रेमुनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर मतलब मेन एग्रीकल्चर फार्मिंग प्लस इससे अलाइड सेक्टर। अलाइड सेक्टर कौन कौन से होते हैं गाइज, अलाइड सेक्टर में आप देख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी सेक्टर, इनको कहते हैं अलाइड सेक्टर। ठीक है, इनका डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट का मेजर टारगेट था, और गवर्नमेंट ने इस स्कीम को गाइज क्या कर दिया, इस स्कीम को कंटिन्यू कर दिया। गवर्नमेंट हैज़ कंटिन्यूड दिस पर्टिकुलर स्कीम फॉर इन 2017। ठीक है, 2017 में गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको कंटिन्यू करा है। ठीक है गाइज, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है गाइज, डेवलप फार्मिंग एज ए सोर्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी। जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट करें, एंड उससे रिलेटेड अगर कोई सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो उनको अगर इंडस्ट्री सॉरी गाइज उनको एग्री से रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्रीज में वर्क करवाना है, इंडस्ट्रीज लगानी है, तो वो क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज भी लगा सकते हैं। दिस इज़ दी मेन वर्क। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, मतलब कैसे ना कैसे करके एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है। ठीक है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर को गाइज क्या बनाना है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है। ठीक है, जब अगर एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर पाएंगे गाइज, फार्मर क्या कर पाएंगे, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहेंगे। एंड जब तक इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा गाइज फार्मर का, टिल देन इट विल नॉट बी ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। तब तक इसको क्या नहीं कहा जाएगा गाइज, इसको प्रॉफिटेबल प्रोफेशन नहीं कहा जाएगा। प्लीज़ वेट गाइज फॉर वन सेकेंड, प्लीज़ वेट फॉर वन सेकेंड। सो एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना, ये गवर्नमेंट का एक क्या था, मेजर टारगेट था। सो आगे बढ़ते हैं गाइज, इसके सम अदर ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इसके, इसको हम लोग देख लेते हैं गाइज। रिस्क मिटिगेशन, मतलब जो एग्रीकल्चर की रिस्क है, लेट सपोज क्रॉप फेलियर की, ठीक है, लेट सपोज क्रॉप फेलियर हो गया, अगर ड्रॉट आ गया गाइज, सूखा पड़ गया, उसके रीजन से जो फसलें बर्बाद हो गई। ठीक है, अब अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी कोई और एक्टिविटी कर रहा है उसके साथ में, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, रिस्क मिटिगेट हो जाएगी, क्योंकि ही इज़ हैविंग ए रिस्क कवर। वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी और एक्टिविटी में क्या रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, तो क्या मिलता रहेगा गाइज, उसको रिस्क कवर मिला हुआ रहेगा। ठीक है गाइज, और क्या करना है गाइज, स्ट्रेंथनिंग द एफर्ट ऑफ फार्मर अलोंग अब देखें एग्रीकल्चर बिजनेस को भी उसके अलोंग में क्या करना है, प्रॉफिट करना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेस है उनको बढ़ाना है, और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या करें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस लगाएं। ठीक है, बिजनेस कैसे गाइज, जैसे टोमेटो सूप का बिजनेस लगा लिया, टोमेटो केचप का बिजनेस हो गया, ठीक है, पोटैटो से रिलेटेड, चिप्स से रिलेटेड पोटैटो चिप्स फैक्ट्री लगा ली, ऐसे जैसे एग्रीकल्चर में मैक्सिमम एंटरप्रेन्योरशिप आए, फूड प्रोसेसिंग भी हो, फूड से रिलेटेड क्या होगा होगा गाइज, एक तरीके से रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी हमारी, और सबसे बड़ी बात है गाइज, एक तरीके से सबसे बड़ी बात है कि फार्मिंग जो है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा, इससे रिस्क मिटिगेट होगी। अब इसको मैं एक इससे लिंक बना के समझाता हूँ गाइज, इसका बेनिफिट क्या होता है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखें गाइज, इसमें अब एग्रीकल्चर से इससे फ़र्क क्या पड़ेगा गाइज, देखें इससे व्हाट विल बी द मेजर बेनिफिट ऑफ इट, देखें गाइज होगा क्या इसमें, इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में गाइज क्या करना है, एग्री प्रोसेसिंग को बढ़ाना है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप
एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना है गाइज, बढ़ाना है। इसके लिए क्या देंगे, इसके लिए लोन भी ज़्यादा दिया जाएगा। अब एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप जब बढ़ेगी तो गाइज क्या होगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या आएंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप जो हैं वो क्या होंगे, प्रमोट होंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप कैसे, जो फूड प्रोसेसिंग वाले स्टार्टअप हैं, फूड प्रोसेसिंग वाले स्टार्टअप हैं गाइज, प्रोसेसिंग वाले स्टार्टअप हो गए। एग्जाम्पल क्या हो गए इसके, टोमेटो केचप का, टोमेटो केचप लाइक, पोटैटो चिप्स गाइज, ठीक है, पोटैटो चिप्स, इस तरीके के जो स्टार्टअप हैं दे आर बेस्ट ऑन द एग्रीकल्चर, वो क्या होंगे गाइज, बढ़ेंगे। ठीक है, अब इतने ऐसे स्टार्टअप जब बढ़ेंगे एग्रीकल्चर में तो गाइज क्या होगा, एग्रीकल्चर में क्या होगा, रिस्क मिटिगेट होगी। ठीक है, क्या होगी, रिस्क मिटिगेट होगी, रिस्क क्या होगी, मिटिगेट होगी, मतलब रिस्क कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, अगर कोई ड्रॉट आ जाता है, अगर कोई ड्रॉट आ जाता है तो गाइज, अगर क्रॉप प्रोडक्ट क्रॉप फेलियर भी होता है, ठीक है, क्रॉप फेलियर भी होगा तो गाइज उनके पास ये इंडस्ट्रीज हैं जिससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है, दे विल नॉट बी इफेक्टेड टू मच। और गाइज उनकी इनकम क्या रहेगी, इनकम अश्योरिटी रहेगी। ठीक है, इनकम की अश्योरिटी जब रहेगी, सस्टेन रहेगी, तो गाइज जो एग्रीकल्चर है उसमें फार्मिंग से रिलेटेड इश्यू क्रिएट नहीं होंगे, फार्मर सुसाइड वाले इश्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। और गाइज एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मेक, इस तरीके की का पॉइंट जो है गवर्नमेंट इसमें इस स्कीम के अंडर बनाने की ट्राई कर रही है। फिर से मैं समझा देता हूँ, इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में क्या होगा गाइज, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, गवर्नमेंट इनको लोन देगी ज़्यादा से ज़्यादा, एग्रीकल्चर स्टार्टअप लगेंगे, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड स्टार्टअप, एज एन एग्जाम्पल टोमेटो केचप पोटैटो चिप्स। तो गाइज फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे रिस्क मिटिगेट होगी फार्मर के, अगर कोई ड्रॉट के रीजन से क्रॉप फेलियर होता है तो फार्मर के पास अल्टरनेट इनकम है। ठीक है, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन अल्टरनेट बिजनेस में उन्होंने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया है। तो अगर कोई क्रॉप फेलियर होता है तो फार्मर उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा उनके इनकम की, दे विल बी हैविंग द इनकम अश्योरिटी। जब इनकम की अश्योरिटी गाइज उनके पास रहेगी तो फार्मर सुसाइड से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे और फार्मिंग विल डेफिनेटली बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस बिकॉज रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ हैव बीन प्रमोटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ को क्या कर दिया गया है, दे हैव बीन प्रमोटेड अंडर इट। सो गाइज आज के टाइम में इन द करंट सिनारियो इट बिकम्स रियली रेलिवेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे क्या हो, एग्रीकल्चर से एक अल्टरनेट मिल सके। ठीक है, सो दैट फार्मर्स कैन हैव एन अल्टरनेट, अल्टरनेट मिलेगा तो क्या होगा, फार्मर को कोई रिस्क नहीं रहेगी, अगर कोई क्रॉप फेलियर होता भी है, इफ़ देर विल बी एनी काइंड ऑफ क्रॉप फेलियर, उनको उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस मिला हुआ रहेगा। ठीक है, तो गाइज इतने सारे टारगेट गवर्नमेंट लेके चल रही है इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, क्रिएट करके। ठीक है, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, आर वाई जुगनो अंजलि कुमारी मनप्रीत, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, आई होप ऑल ऑफ द गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आपको सब समझ आ रहा होगा कि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट किस तरीके से गाइज क्या कर रही है, एक तरीके से किस तरीके से प्रमोट करने की ट्राई कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है गाइज, इस स्कीम के अंडर स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टेट को क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लें, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना गाइज क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब गाइज क्या है, फंड शेयरिंग जो होगा, फंड शेयरिंग गाइज क्या होगा, ये सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है गाइज, इस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर स्टेट को अपने प्लान बनाने की क्या दे दी गई, स्टेट कैन ड्रॉप देयर ओन प्लान। ठीक है, स्टेट अपने तरीके के प्लान बना सकती है, अपने तरीके के प्लान बना के स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सकती है। ठीक है, किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्रीकल्चर से अलाइड सेक्टर से रिलेटेड प्लान जो है वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट स्पेसिफिक प्लान हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल राजस्थान के लिए अलग प्लान हो सकता है, यूपी के लिए अलग हो सकता है, हिमाचल प्रदेश के लिए अलग हो सकता है। इसका मतलब क्या है गाइज, स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, द फ्रीडम और टू द स्टेट्स हैव बिन गिवन के यू कैन रोल आउट योर ओन प्लान्स, आप अपने प्लान्स लाएं, उनको इम्प्लीमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें कि फार्मिंग जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, फार्मिंग कैन बिकम ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, ट्राई इट। ठीक है, इसको इस तरीके से ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है,
समझ रहे हैं मेरी बात? तो गाइज इसमें और दो तीन पॉइंट है, देख लेते हैं। अब ये पॉइंट मैंने बता दिया है, फार्मर को हेल्प करना है देयर इनकम बाय एनकरेजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के फार्मिंग को हेल्प करना है, वैल्यू चैन एडिशन बढ़ा के प्रोडक्शन मॉडल्स को बढ़ाना है। वैल्यू चैन बढ़ाने का मतलब क्या है गाइज? वैल्यू वैल्यू इनहेंसमेंट, वैल्यू एनहेंसमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे लेट सपोज प्रोडक्शन गाइज, फार्मिंग फार्मर ने क्या करा है, पीनट लगाए, ठीक है। अब फार्मर्स ने गाइज क्या लगाए हैं? पीनट्स लगाए हैं। अब इस पीनट को फार्मर फार्मर क्या करता है, जनरली लो प्राइस पर बेच देता है। लो प्राइस पर क्या करता है, सेल आउट करता है। लेकिन गाइज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर वो क्या कर सकते हैं, दे कैन गेट द लोन फॉर इस पीनट के प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। इस पीनट के प्रोसेसिंग के लिए गाइज क्या कर सकता है, उसको लोन ले सकता है। अब क्या करेगा, उस पीनट से अब वो क्या बना सकता है, पीनट ऑयल बना सकता है, ठीक है। पीनट ऑयल बनाएगा तो गाइज जितनी पीनट की उसको प्राइस मिल रही थी, उससे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स उसकी प्राइस मिल जाएगी, क्योंकि सॉरी गाइज, जो पीनट ऑयल है दिस इज क्वाइट ऑब्वियसली इट इज मच कॉस्टलियर, ठीक है। ये ज़्यादा थोड़ा महंगा होता है, इसके रीजन से उसमें उसने क्या कर दी, वैल्यू ऐड कर दी है, ठीक है। इसमें इसने प्रोसेसिंग करके क्या कर दी है गाइज, वैल्यू एडिशन हो गया है, वैल्यू एडिशन हो गया है। जैसे ही वैल्यू एडिशन होगा गाइज इन प्रोडक्ट्स का, द प्राइस ऑफ दीज सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल डेफिनेटली गो अप। एंड गवर्नमेंट का यही मेजर टारगेट है, दिस इज दी मेजर टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये चाहती है फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए कनेक्ट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का गाइज क्या कर सकें, इनकम बढ़ा सकें, ठीक है। इनकम बढ़ेगी तो गाइज उनका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा, और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा गाइज, एग्रीकल्चर उतना ही क्या होगा, एग्रीकल्चर विल फ्लरिश, ठीक है, एग्रीकल्चर विल फ्लरिश। और सबसे बड़ी बात है, मोर देन 50% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है इसमें, तो गाइज इतने परसेंट पॉपुलेशन की जब इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होने वाला है, हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन विल डेफिनेटली बिकम ए रियलिटी, ठीक है। हमारे नेशन की नेशन का डेवलपमेंट एक रियलिटी बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? अब रिस्क मैंने बता ही दिया, अब मैंने रिस्क बता ही दिया गाइज, जिसमें सारे पॉइंट जो है मैंने आपको बता दिए हैं कि रिस्क, इनकम जनरेशन अलग अलग हो सकता है, डाइवर्सिफाई हो सकती है गाइज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और एक्टिविटीज प्रमोट कर सकते हैं, जैसे मशरूम कल्टिवेशन हो गया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर को भी इसमें क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। बागवानी को भी इसमें क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। उनका वैल्यू एडिशन जब किया जाएगा तो उनको उनकी इनकम क्या हो जाएगी, फार्मर की इनकम विल डेफिनेटली भी इंक्रीजिंग, ठीक है। और गाइज इसके अंडर एक और चीज़ है, इसके अंडर गाइज एक और चीज़ है इसमें गाइज, लिसन, ट्राई टू लिसन इट, इसको ध्यान से सुने आप, आई एम गोइंग टू टेल यू, इसमें थोड़ा अच्छे से आपको समझा देता हूँ। देखें ऐसे स्कीम्स क्या होते हैं, आपको पॉइंट बहुत सारे मिलेंगे और प्रीलिम्स और मेंस में इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आपकी होगी, ठीक है, यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ पॉइंट्स। इस स्कीम के अंडर क्या है गाइज, एग्रीकल्चर में जो यूथ है, एग्रीकल्चर में जो यूथ है उसकी स्किल डेवलप करना भी है, ठीक है। उसकी क्या करना है, स्किल डेवलप करना है, ठीक है। अब उसका जितना स्किल डेवलप होगा उसके पास गाइज क्या होगी, रेलिवेंट स्किल होगी। उस स्किल को क्या कर सकता है यूथ, उसमें लगा के कोई ना कोई एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप में क्या लगा सकता है गाइज, इन्वेस्ट कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्ट कर सकता है। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा गाइज, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और गाइज क्या होगा, प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा गाइज उतना ही हमारी जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा हम लोग एक्सपोर्ट भी उतना ज़्यादा करेंगे। प्लस एक तरीके से जो यूथ है गाइज उसके पास गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, यूथ विल बी हैविंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ यूथ को क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आप ऐसी इंडस्ट्री लगाएंगे जो एनवायरमेंटली क्या हो, एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करे, ठीक है, पोल्यूशन कम से कम हो, और एनवायरमेंट को जितना कम डैमेज होगा उतना गाइज क्या होगा, क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट रहने वाला, क्लीन एंड हेल्दी क्या रहने वाला है, एनवायरमेंट रहने वाला है। इस तरीके की ट्राई जो है इस स्कीम के अंडर की जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इन यूथ की गाइज क्या है, एक तरीके से क्या करना है गाइज, स्किल डेवलप करना भी इसका एक मेजर मोटिव है, ठीक है। एम्पावरिंग द यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, एग्रीकल्चर बिजनेस मॉडल, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, एग्रीकल्चर बिजनेस मॉडल है, इस तरीके की रेलिवेंट स्किल जो है उसको डेवलप करना है, ये गवर्नमेंट का मेजर मोटिव है।
चलो भाई देख लेते हैं इसमें फंड शेयरिंग पैटर्न क्या है, व्हाट इज दी फंड शेयरिंग पैटर्न ऑन इट। मैंने पहले ही बता दिया गया ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो सेंटर सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही क्या करेगी, इसको फंड करने वाली है। तो गाइज फॉर नॉर्मल स्टेट के लिए फंडिंग क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देती है, स्टेट गवर्नमेंट कितने परसेंट देती है, 40%। ठीक है, ये किसके लिए बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू फॉर द नॉर्मल स्टेट्स, ये किसके लिए है, नॉर्मल स्टेट के लिए है। फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इट इज़ डिफरेंट। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए कितना है, डिफरेंट है। देखें देखें नॉर्मल स्टेट के लिए क्या है, 60-40 है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एंड हिली स्टेट। अब देखें ये फंड्स, यही फंड शेयरिंग नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली के लिए कितना है, 90-10 हो गया। ठीक है, एंड यूटी के लिए कितना हो गया, यूटीज के लिए गाइज क्या हो गया, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 100% क्या देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है, गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट को क्या मिल सके, एड मिल सके, एंड ऑब्वियसली दे कैन डाइवर्सिफाई देयर फार्मर्स इनकम, अपने फार्मर की इनकम को क्या कर सकें, डाइवर्सिफाई कर सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फार्मर की इनकम को गाइज क्या कर सकें, डाइवर्सिफाई कर सकें। तो इसीलिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी रेलिवेंट हो जाते हैं प्रेजेंट प्रस्पेक्टिव में। समझ रहे हैं मेरी बात, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग माई पॉइंट, इज देर एनी काइंड ऑफ डाउट, कोई डाउट है तो बताएं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें फंड शेयरिंग पैटर्न नॉर्मल स्टेट के लिए गाइज क्या है, 60-40, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट जहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट टेरान होता है, यूथ को एग्रीकल्चर में रखना प्लस फार्मिंग में इन्वॉल्व रहना बिकम्स बिट डिफिकल्ट। ठीक है, ये क्या क्या होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ फंड शेयरिंग पैटर्न क्या है गाइज, 90-10। और यूटीज के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए कितना है, 100% विल बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 100% कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो ये सब, ये सारी चीज़ें समझ आई होगी, आई होप ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट द पॉइंट। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सारी सारी जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी है, आई होप ऑल ऑफ द थिंग्स आर क्लियर टू एवरी स्टूडेंट। बढ़ेंगे आगे गए जिसमें रिसेंट चेंजेस क्या किए गए हैं, देखते हैं इसमें रिसेंट चेंजेस क्या क्या किए गए हैं। ठीक है, चलो भाई लेट्स डिस्कस। अब गाइज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में इसमें क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसमें रिसेंट चेंजेज ये किए हैं। जो स्टार्टअप है, जो स्टार्टअप है, इनोवेशन और एग्रीप्रेन्योरशिप किसको कहते हैं गाइज, एग्रीकल्चर में जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसको क्या कह सकते हैं, एक सिंगल वर्ड में कंबाइन करके एग्रीप्रेन्योरशिप। ठीक है, इन दोनों को गाइज क्या करा है, इन दोनों कंपोनेंट को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ये किसने साइट किया है, दिस रीजन हैज़ बीन साइटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर 2020-21। ठीक है, समझ रहे हैं, इसको इस स्कीम के अंडर ले आया गया है, इनकी एंटरप्रेन्योरशिप को और ज़्यादा प्रमोट करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एम्प्लॉयमेंट आए, प्लस फार्मर के पास भी गाइज क्या रहे, एक अल्टरनेट रहे। ठीक है, फार्मर कैन हैव वन मोर अल्टरनेट ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, और एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे। ठीक है, अब देखते हैं गाइज बैकग्राउंड जो है इसका, एक कंपोनेंट इनोवेशन और एग्रीप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ऑलरेडी है। इनोवेशन से रिलेटेड मतलब एग्रीकल्चर में अलग अलग इनोवेशन करना है, एग्रीकल्चर में क्या करना है, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब गाइज अलग अलग प्रोडक्ट जो हैं, इनोवेशन मतलब अलग अलग मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, जिस भी मेथड से एग्रीकल्चर में इनकम बढ़ जाएगी फार्मर की, उस मेथड को क्या करना है, फिर कंटिन्यू करना है, इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज इनोवेशन। मीन्स टू ट्राई फॉर द यूनिक थिंग्स, कुछ ना कुछ यूनिक करना है, दिस इज कॉल्ड इनोवेशन। ठीक है, और इसके अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर गए जिसको लॉन्च कर दिया गया है, इनोवेशन को प्रमोट करना है, एग्रीप्रेन्योरशिप को भी क्या करना है, प्रमोट करना है। ठीक है, एग्रीप्रेन्योरशिप फिर से रिपीट करूंगा, एग्रीकल्चर प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके अंडर गाइज कंपोनेंट मैंने बता ही दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, कैसा सपोर्ट, मैंने पहले ही बताया है, 60-40 जो है फंड शेयरिंग पैटर्न रहता है, नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट के लिए कितना है, 90-10। ठीक है, एंड यूटी के लिए कितना है गाइज, 100% इट इज़ टू बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है गाइज इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, एग्रीकल्चर से जो अलाइड इंडस्ट्रीज है ना, एग्रीकल्चर से अलाइड इंडस्ट्रीज, उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा, उनका डेवलपमेंट विल डेफिनेटली बिकम ए रियलिटी। ठीक है, अलाइड एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई गाइज, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे बेस्ड, प्रोडक्शन बेस्ड, लेट्स से आपने क्या करा, मैंने अभी एग्जांपल दिया था पीनट्स वाला,
या फिर आप ग्राउंड नट ले लें, ठीक है, ग्राउंड नट ले लें, ठीक है, तो उसको ऑयल, उसकी ऑयल में प्रोसेसिंग कर लेना, ठीक है, उसको उसका ऑयल बना देना, तो उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी। जितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड होगी गाइज उसमें, उतनी ही क्या होगा उनको प्रॉफिट होता जाएगा, उनके लिए इनकम और ज़्यादा गेन होती जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट जो है गवर्नमेंट इसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस पॉइंट स्पेसिफिकली, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं गाइज, देखें, एग्रो प्रोसेसिंग से रिलेटेड, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड, एक सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है गाइज डेयरी, डेयरी से रिलेटेड, डेयरी प्रोसेसिंग, मतलब फार्मर जो है क्या कर सकते हैं गाइज, फार्मर कैन गेट द लोन, इसके अंडर लोन ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो डेयरी प्रोसेसिंग में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेयरी प्रोसेसिंग कौन सी डेयरी प्रोसेसिंग गाइज, जैसे मिल्क से क्या करा, मिल्क से पनीर बना दिया, ठीक है, मिल्क से पनीर, मिल्क से एक तरीके से खोया, इस तरीके के प्रोडक्ट बनाएंगे जो क्या होंगे बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर होंगे रादर देन मिल्क, ठीक है, मिल्क से ज़्यादा कॉस्टलियर होंगे, और इससे फार्मिंग को, फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा, और अलाइड जो सेक्टर है ना गाइज, अलाइड सेक्टर वो क्या हो जाएंगे, बूस्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे गाइज, बूस्ट हो जाएंगे, और उनके बूस्ट होने से क्या होगा, क्या गाइज फर्क क्या पड़ेगा एग्रीकल्चर में, इनकम का क्या होगा, इनकम डाइवर्सिफिकेशन विल टेक प्लेस, ठीक है, इनकम डाइवर्सिफिकेशन विल बी टेकिंग प्लेस, और जितनी इनकम डाइवर्सिफिकेशन होगी उतना ही फार्मिंग के पास, फार्मर के पास क्या होगा गाइज, अल्टरनेट होंगे, ठीक है, दे विल बी हैविंग एज मच अल्टरनेट, एंड जितने अल्टरनेट होंगे फार्मिंग को गाइज क्या कर लेंगे, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, दे विल प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू द फार्मिंग, क्यों, कैसा इंश्योरेंस कवर, अगर फार्मिंग लॉस होता है इफ ड्यू टू सम एक्सट्रीम काइंड ऑफ कंडीशन, लेट्स से ड्रॉट और फ्लडिंग, इफ द फार्मिंग, इफ द क्रॉप विल बी फेल्ड, देन इवन दे विल बी हैविंग ए रिस्क कवर, उनके पास एक रिस्क कवर रहेगा क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रीज, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में क्या कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, दे विल गेट देयर इनकम बाय द इंडस्ट्री, उनकी इनकम किससे हो जाएगी, इंडस्ट्री से उनकी इनकम हो जाएगी, ठीक है, दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, ठीक है, समझ रहे मेरी बात, तो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिजिटल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या करना है, मैकेनाइजेशन प्रमोट करना है, ठीक है, फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है, ठीक है, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा, इसको मैं एक इंटरलिंक बताता हूँ, फार्मर को अवेयर करने से क्या फ़र्क पड़ेगा गाइज, वेट प्लीज़ वेट फॉर इट, अब देखें फार्मिंग को एक तरीके से देखें, डिजिटल फार्मिंग जितनी करेंगे, डिजिटलाइज जितना करेंगे इनको, फार्मर जितना डिजिटल हेल्प लेंगे फ़र्क क्या पड़ेगा, ठीक है, देखें अगर डिजिटल जो है, डिजिटल एजुकेशन मिल जाएगी फार्मर को, तो गाइज इससे फार्मर क्या करेगा, फार्मर क्या करेगा, न्यू मेथड्स अप्लाई करेगा एग्रीकल्चर में, न्यू मेथड्स अप्लाई करेगा, न्यू मेथड्स क्या करेगा गाइज, अप्लाई करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, इनोवेशन करेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न में क्या करेगा, क्रॉपिंग पैटर्न में कुछ ना कुछ इनोवेशन करेगा, अब इनोवेशन करेगा तो गाइज क्या होगा, उसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और फार्मिंग की गाइज क्या होगा, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, इनकम विल डेफिनेटली गो अप, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, तो ये सारी चीज़ें फार्मर करेगा, ठीक है। अब डिजिटल, डिजिटल जितनी चीज़ें ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जब मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन जब ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन फार्मर को मिल जाएगी, तो जैसे जैसे गाइज रेनफॉल है, रेनफॉल है, उसकी एडवांस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, द फार्मर कैन गेट द एडवांस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रेनफॉल, अब एडवांस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो फार्मर क्या कर सकता है, क्रॉप का जो है उससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है रेनफॉल से, तो उससे उससे मिटिगेट करने की ट्राई करेगा, ठीक है, ही विल ट्राई टू मिटिगेट, ठीक है, मिटिगेट करने की ट्राई करेगा, तो हो सकता है कि फसल में जितना डिस्ट्रक्शन हो वो थोड़ा कम हो जाए, और सबसे बड़ी बात है इससे क्या होगा, फार्मर की अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है, फार्मर की अवेयरनेस बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा फार्मर क्या होंगे गाइज, एक तरीके से अवेयरनेस बढ़ने से उनकी इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि दे विल अप्लाई मोर एंड मोर इनोवेटिव मेथड्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव मेथड को क्या करेंगे एग्रीकल्चर में अप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग माई पॉइंट, सारे स्टूडेंट को मेरी बात समझ आ रही है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, तो कुछ अलाइड सेक्टर हो गए, फार्म मैकेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क्स हैं उनको कम करें, और मशीनरी पे ज़्यादा फोकस करें, टू लॉन्च टू इम्प्लीमेंट द मशीनरी एट द फार्म लेवल इन द फार्मिंग गाइज, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट का एक फोकस है इसके अंडर, वेस्ट टू वेल्थ, जो फार्मिंग में वेस्ट हैं, लेट सपोज अब इसको देखें, वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ का मतलब क्या होता है, जैसे एक तरीके से पराली है, ठीक है, जो पंजाब रीजन में सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है पराली की,
इस पराली को गाइज एक तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसको अगर किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, किसी अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, इससे कोई और प्रोडक्ट बना दिया जाए, तो गाइज क्या होगा, इसको बर्न नहीं करना पड़ेगा। इट विल नॉट बी नीडेड टू बर्न इट। और गाइज इसको बर्न नहीं करेंगे तो गाइज क्या नहीं होगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पॉल्यूशन भी नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात है वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगी इससे। प्रोडक्ट इसको प्रोडक्शन से क्या हो जाएगी, वेल्थ क्रिएशन विल ऑल्सो टेक प्लेस। ठीक है, इसका मतलब डबल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, प्लस सबसे बड़ी बात है जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो रही है, इससे वेल्थ भी जनरेट हो रही है। ठीक है, इट मीन्स वेस्ट टू वेल्थ कॉन्सेप्ट इट इज़ टू बी अप्लाइड। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ टू बी अप्लाइड एट एनी कॉस्ट। समझ रहे हैं मेरी बात, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग माई पॉइंट। और डेयरी और फिशरीज रिलेटेड सेक्टर भी इसमें क्या किए जा सकते हैं, प्रमोट किए जा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसके अंडर कॉम्पोनेंट क्या है गाइज, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप को ओरिएंटेशन के लिए 2 मंथ्स के लिए क्या दिया जाएगा गाइज, फॉर 2 मंथ्स 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल 20,000 दिया जाएगा गवर्नमेंट की साइड से। गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग दिस मच। किस क्यों दिया जाएगा, इनको इनोवेशन की ट्रेनिंग के लिए, मेंटोरशिप के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इसके अंडर ट्रेनिंग होम्स ओवर जस्ट वॉन्ट टू गेट द मेंटोरशिप अंडर इट। ठीक है, अब उनसे इसका क्या हो जाएगा गाइज, स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, इससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, और अगर स्किल डेवलप हो जाती है गाइज उनकी, तो दे विल डेफिनेटली बी एबल टू इम्प्लीमेंटेड, इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जितने ज़्यादा एग्री बिजनेस प्रमोट होंगे गाइज, उतना ही क्या होगा उनकी इनकम क्या होगी, इनकम विल डेफिनेटली बी इंक्रीज्ड। जितने इनकम इंक्रीज होगी उतना ही उनका जो है जो सेविंग है गाइज, दैट विल डेफिनेटली बी इंक्रीज्ड। उनको क्रॉप फेलियर के अगेंस्ट इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है, मेंटोरशिप में क्या क्या प्रोवाइड होगा गाइज, फाइनेंशियल टेक्निकल आईपी रिलेटेड इश्यू, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे वो कोई ऐसी टेक्निक का यूज़ ना करें एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में। ठीक है, या फिर किसी ऐसी जो एग्रीकल्चर मैगजीन से रिलेटेड अगर कोई वर्क कर रहे हो, तो ऐसा कोई प्रिंट ना करें जिसमें कॉपीराइट हो। ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में वो ऐसी कोई चीज़ डिज़ाइन ना करें जिसमें इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से रिलेटेड आईपीआर रिलेटेड वॉयलेशन का इश्यू क्रिएट हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो गाइज दीज आर सम ऑफ द स्पेसिफिक टारगेट्स ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कंपोनेंट मैंने आपको बताए, और आपको आई होप सारे स्टूडेंट को ये अच्छा लगा होगा। मैं डेली बेसिस पे गाइज आई विल बी टेकिंग द इकोनॉमी इश्यूज, इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं उनको लेने वाला हूँ डेली बेसिस पे, सो दैट योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन द इकोनॉमिक इश्यूज कैन बिकम वेरी वेरी गुड। ठीक है, आपकी जो है इकोनॉमिक इश्यूज में क्या हो जाए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, एंड गाइज डेफिनेटली देन यू विल फील कम्फर्टेबल अबाउट द इकोनॉमिकल इश्यूज़। ठीक है, तो इन क्लासेज को हम डेली बेसिस पे कंटिन्यू करेंगे, डेली बेसिस पे आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस ऑल क्लासेस। तो गाइज आई होप आप सारे स्टूडेंट को ये अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। आई होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर। तो गाइज डू लाइक इट, शेयर इट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ क्या करें, शेयर इट, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। मैक्सिमम स्टूडेंट को गाइज क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। सो गाइज थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, बाय बाय, टेक केयर, एंड हम फिर मिलेंगे। ठीक है, राइट एट द टाइम ऑफ 6 PM इन द इवनिंग लक्ष्य वाले बैच में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, फाइनेंशियल मार्केट। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल मार्केट गाइज, सो प्लीज ज्वाइन द क्लास राइट एट 6 PM। ठीक है, 6 PM पर आप क्लासेज ज्वाइन करें। ठीक है, एंड यूज जीके लाइव कोड का जैसे यूज़ करेंगे गाइज, इमीडिएटली यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ, और आप 10% ऑफ का इमीडिएटली बेनिफिट ले सकते हैं। गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन एज सून एज इट्स पॉसिबल, सो दैट गाइज यू कैन हैव माई क्लासेज ऑन द अन अकेडमी प्लस, और आपकी प्रिपरेशन कैन बिकम रॉक सॉलिड। ठीक है, सो ऑन दिस नॉट थैंक यू फॉर अटेंडिंग द